नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। साल 2019 पटनावासी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस साल उन्होंने एक ऐसी त्रासदी देखी थी जिसे भूलना नामुमकिन है। और उसके खिलाफ में कई जगह विरोध प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही साथ अब वो गुस्सा सामने दिखाई दे रहा है। 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में इस बार जितने भी वहां के लोग हैं वो सभी लोग उसका बदला लेना चाह रहे हैं और इसलिए विधायक का विरोध किया जा रहा है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार सिन्हा बीजेपी के विधायक हैं और फिलहाल वहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं, जगह जगह ऐसे पोस्टर हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस बार हमें ये विधायक नहीं चाहिए। पटना के कंकड़बाग, कदम कुआं, राजेंद्र नगर इलाके में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ अरुण सिन्हा का बहिष्कार किया गया है। राजधानी के कुम्हरार विधानसभा से लगातार तीन बार से जीतते आ रहे बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा को लेकर वोटरों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोग हर चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाकर विधायक अरुण सिन्हा का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा के खिलाफ पटना के कदमकुआं, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग समेत कई अन्य मोहल्लों में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर विधायक अरुण कुमार सिन्हा को पटना डुबोने वाले विधायक की संज्ञा दी गई। साथ ही नारा लिखा गया है, कुम्हरार की जनता करे पुकार, नहीं चाहिए अरुण सिन्हा इस बार, पानी की बहार है यही कुम्हरार है, अरुण सिन्हा को बदलना इस बार है। सभी चौक चौराहे पर लगाए गए पोस्टर में इस तरह के नारे लिखे गए हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक को लेकर स्थानीय लोगों में गजब का गुस्सा है। कई दफे तो विधायक को स्थानीय लोगों ने भी घेरा है और काफी भला बुरा भी कहा है। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत है कि विधायक किसी काम के नहीं है। राजधानी डूबने के समय भी विधायक अरुण सिन्हा गायब रहे, काफी दिनों के बाद उनकी नींद खुली, तभी से कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के स्थानीय लोग विधायक से खासे नाराज हैं। वहीं खबर है कि विधायक अरुण सिन्हा क्षेत्र में नाराजगी को लेकर सचेत हो गए हैं और सेटिंग में भी जुट गए हैं। उन्हें अंदेशा हो गया है कि इस बार के चुनाव में वोटरों की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, लिहाजा कोशिश में है कि इस बार उनकी जगह उनके बेटे को टिकट मिल जाए। इसको लेकर वे नेतृत्व के समक्ष लॉबिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार पटना की जनता ने ये मूड बना लिया है कि अरुण कुमार सिन्हा से बदला लेना है, क्योंकि साल 2019 में सभी पटनावासी जलजमाव की वजह से अपने घरों में कैद हो गए थे। इतने भयानक स्थिति बन चुकी थी कि लोगों के घर में खाना भी मौजूद नहीं था और उस वक्त भी अरुण सिन्हा वहां से गायब थे। ना ही वो लोगों की मदद के लिए पहुंचे, ना ही उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना था, जिसके बाद अब लोग जाग उठे हैं और इस बार विधानसभा के चुनाव में उन्हें सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लिहाजा अभी से ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। पोस्टर के जरिए विधायक का बहिष्कार किया जा रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।